नंबर, समान आधार बीसी और बीसी के एक ही ओर दो समकोण त्रिभुज एबीसी और डीबीसी खींचे गए हैं। चलिए मैं यहां पर एक आधार ले लेता हूं, इसका नाम देते हैं बीसी। इसके एक ही ओर दो त्रिभुज बन रहे हैं, वो दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज होंगे। एक इधर बन रहा, ठीक है, एंगल त्रिभुज एबीसी, और दूसरा इसी पे आप बनाओगे एक ही ओर, इसका मतलब वो दूसरा वाला इधर कहीं बनेगा ऐसे, है ना जी। ये आपका डीबीसी, ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो आगे क्या करके, यदि एसी और बीडी पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एसी और बीडी पी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो सिद्ध करें कि एपी इंटू पीसी बीपी इंटू पीडी के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया है समान आधार बीसी के एक ही ओर दो समकोण त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीबीसी है। एसी तथा बीडी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी, कि एपी इंटू में पीसी बराबर होगा बीपी इंटू में पीडी के। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। एपी इंटू पीसी, अच्छा देखिए इसका प्रमाण देखिए, हमारे पास दिया है ना कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार पर स्थित, आधार बीसी पर स्थित समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब कि एंगल ए बी सी 90 होगा और एंगल डी सी बी भी 90 होगा ना जी। तो जब ये 90 होगा तो इसका मतलब यह है कि आप लिख सकते हैं कि ए बी लंब है बी सी पर और डी सी लंब है बी सी पर। तो एक ही रेखा पर दो रेखाएं लंब हो तो आपस में समांतर हो जाएगी ना, इसलिए ए बी समांतर हो जाएगा डी सी के। अब चलते हैं, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज डी पी सी में, ए पी बी और सी लेंगे ना जी, सी पी डी में, देखिए क्योंकि ए पी बी लिए हैं तो यहाँ सी पी डी लिखेंगे, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर, इसलिए ऐसा ले रहे हैं, है ना जी। संगत भागों के हिसाब से चलना होगा। एंगल ए पी बी इक्वल टू में एंगल सी पी डी हो जाएगा, एक शीर्षाभिमुख कोण है ये वाले शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा आप देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा हम लोग ले सकते हैं एंगल पी ए बी इक्वल टू में एंगल पी सी डी, एकांतर अंतः कोण के युग्म होंगे, समांतर है ना ये इसके, इसलिए एकांतर अंतः कोण के युग्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर दिया ना कि ये भी समांतर है डीसी के। तो यहां से त्रिभुज ए पी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो जाएगा। तो जब त्रिभुज समरूप होगा तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं हो जाएगा, लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें आप एपी लिखते हैं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका पीसी हो जाएगा, या सीपी भी लिख सकते हैं इक्वल टू में। अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर अगर हम लोग ले लेते हैं आपका क्या ले लेते हैं, बीपी, तो इसमें लेना होगा आपका क्या, पीडी। तो यहाँ AP इंटू में PD इक्वल हो जाएगा PC इंटू में BP के,
ये होगा आपके बुक में गलत दिया, उसको सुधार लेंगे, जो साबित करने वाला है ना उसमें गलत दिया हुआ है उसको आप वहां से सुधार लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लंब यहाँ पे 90-90 होंगे तो यहाँ पर हम लोग ये समांतर हो जाएंगे, और समांतर होंगे तो ये तिरेक रेखा काम करेगा, तो इसलिए संगत शीर्ष ऐसे परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है ना जी, इसको ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। तीसरा चैनल है आरडी शर्मा, रविकांत सर आरडी शर्मा सर, दूसरा ऐसे लिख देते हैं रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सोल्यूशन, आरडी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस चैप्टर को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।